हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके पावरफुल स्टडी चैनल पर। दोस्तों, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना को लेकर के जो भी नई महत्वपूर्ण अपडेट आती है सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि 68 लाख छात्रों की टैबलेट लिस्ट जारी हो गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि उच्च शिक्षा से छात्र जो 50 लाख छात्र हैं, इसी प्रकार सभी कैटेगरी से कितने छात्र, जैसे डी फार्मा वाले कितने छात्र हैं, बी फार्मा वाले, इसी प्रकार पॉलिटेक्निक कितने छात्र हैं, बीएससी के कितने छात्र हैं, उस तरह का जो कैटेगरी वाइज तय कर दिया गया है इतने छात्र एडमिशन लिए हैं, एडमिशन के आधार पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाया जाएगा, तभी आपको टैबलेट मिलेगा। जिस तरह अभ्युदय योजना से जितने भी छात्र जुड़े थे उनकी जो टैबलेट लिस्ट जारी हुई थी, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि डॉक्यूमेंट यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करवाई थी, उसी प्रकार आपकी भी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, आप अभी से तैयार करके रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या चीज़ें हैं, प्रोसेस इसका क्या है। उसके पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नई अपडेट आती है सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह अभ्युदय योजना वाले छात्रों को मैसेज प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार आपको भी मैसेज भेजा जाएगा। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह अभ्युदय योजना वाले छात्रों की टैबलेट लिस्ट जारी हुई थी, उसके 2-3 दिन बाद ही डॉक्यूमेंट और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाके उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, यानी कि वहाँ पर जाँच पड़ताल की जाएगी और यहाँ पे आपको घोषणा पत्र कहाँ से मिलेगा और इसकी लास्ट डेट कब तक है, यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको, यहाँ पे जो नॉर्मल बच्चे हैं या था तो अभ्युदय योजना वाले, लेकिन आपको इसी तरह का मैसेज प्राप्त होगा या कॉलेज की तरफ से मैसेज प्राप्त होगा आपको। और यहाँ पे इन्होंने मैसेज में क्या लिखा है, इसी प्रकार आपको सेम सेम मैसेज होगा, बस यहाँ पे आपको जैसे ये नॉर्मल बच्चों का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग के हेतु समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, दिनांक, यानी कि देखिए ये तो आपको दिनांक जो पिछला अभ्युदय योजना वाले छात्रों का था, लेकिन आपको इसी तरह का जो भी नई डेट होगी उसका दिया जाएगा। और यहाँ भी आपका स्कूल होगा वहाँ का एड्रेस दिया जाएगा, वहाँ पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताते हैं आपको आगे क्या, यानी कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। यहाँ पे तो इन्होंने बता दिया शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में क्या लगेगा बहुत सारे छात्रों का कन्फ्यूजन होगा। तो मैं आपको इसके लिए बता दूँ कि यहाँ पे आपको हाईस्कूल की मार्कशीट लगेगी, इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगेगी, स्नातक व परास्नातक, यानी कि जहाँ पर भी आपकी जैसे ये चीज़ दो चीज़ें तो अनिवार्य है। और आप यदि जैसे इंटर के बाद बीए कर रहे हैं तो बीए इस समय फर्स्ट ईयर, तो आपको बस इतनी दो ही चीज़ लगेगी। यदि आप स्नातक हो गए हैं, परास्नातक भी हो चुके हैं और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों की मार्कशीट लगेगी। यानी कि जहाँ पे भी आपकी पढ़ाई पूरी हुई है वहाँ की आपको पिछली कक्षा की मार्कशीट लगेगी। और जैसे मान लीजिए आप इस समय बीए सेकेंड ईयर में हैं और बीए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगेगी, वह मार्कशीट आपको ऑफलाइन नहीं, यानी कि जैसे मार्कशीट नहीं मिली है तो आपको ऑनलाइन डेटा निकाल के लेके जाना होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आय प्रमाण पत्र में क्या लगेगा, यानी कि आय प्रमाण पत्र जैसे कितने लाख तक इस छात्रों को मिलेगा। जैसे जिस तरह स्कॉलरशिप होती है ना, स्कॉलरशिप में 2.5 लाख से ऊपर वाले छात्रों को इसका लाभ नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी छटनी प्रोसेस लगाया जाएगा। छटनी का प्रोसेस मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा जैसे जो छात्र मतलब खरीद सकते हैं टैबलेट, उन छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे 2.5 लाख से ऊपर वाले छात्रों का जो आय प्रमाण पत्र रहेगा उनको नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको आगे का बताता हूँ, यदि आपके पास जैसे 3 साल का, कुछ छात्रों के पास पुराना हो गया, 3 साल इसका मान्य होता है, यदि यह पुराना हो गया तो इसका जैसे नया बनवाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका नया बनवाना पड़ेगा, अभी आप जाके बनवा सकते, कम से कम इसके लिए 15-10 दिन लगते हैं, 10 दिन में इसको फाइनल हो जाता, मिल जाता आपको आय प्रमाण पत्र बन के, तो आपको इसको बनवा लेना है। और आगे बात करते हैं यहाँ पर आधार कार्ड। आधार कार्ड में कुछ छात्रों का जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, कहीं पर उनके पिता का नाम गलत होता है, कुछ चीज़ें मतलब जैसे स्पेलिंग वगैरह गलत होती है, उसको आपको चेंज करवा लेना है, ठीक है। और आधार कार्ड में एक चीज़ और भी, आपको आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर फिट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आधार में मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको SMS जब वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP ही आपको वेरीफाइड करेगी कि आपको मिलेगा टैबलेट। जी हाँ दोस्तों, आप अभी से करवा लीजिए आप, यदि आपका मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है तो। आप बात करते हैं यहाँ पे फोटो, यानी कि फोटो आपको जो 3 महीने पुराना होना चाहिए, ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए फोटो आपका। और यहाँ पे 2 फोटो लगेगा, इन्होंने साफ साफ जैसा कि आप SMS में भी देखे होंगे 2 फोटो इन्होंने बताया है, तो ये चीज़ें लगेंगी। और आगे बात करते हैं यहाँ पे इसकी लास्ट डेट क्या होगी। देखिए दोस्तों, अभी इसकी लास्ट डेट नहीं आई है ना, अभी इसकी शुरुआत की, यानी कि अभी से मैं आपको ये बता दिया कि यदि आप इसका अभी शुरुआत नहीं किया, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं है, जैसे आय प्रमाण पत्र नहीं है और यदि आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको इसको बनवा लेना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे डाउट हो तो आप जरूर इसे
अपने मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा तो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।